हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेगा, ठीक है। जैसे लाइक चार्जेस मतलब बोथ पॉजिटिव, दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी दूर भगाएगा, ठीक है। ये अगर अनलाइक चार्जेस यानी एक चार्ज जो है पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब हम कूलम्स लॉ के बारे में जान लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ एक टर्म यूज हुआ है पॉइंट चार्ज क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई चार्ज बॉडी दी हुई है, ठीक है, दो चार्ज बॉडी है, सिमिलर मतलब जो उनका साइज है वो लगभग सेम है, ठीक है। तो अगर उनका जो साइज है और डिस्टेंस बिटवीन देम यानी दो चार्ज पार्टिकल के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है किससे, उनके साइज से, ठीक है। तो उस बॉडी को एज अ पॉइंट चार्ज डिनोट करेंगे, ठीक है। मान लो कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक के पास Q1 कूलम चार्ज है और दूसरे के पास Q2 कूलम चार्ज है। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r मीटर है और जो मीडियम है उनके बीच में वो वैक्यूम है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ठीक है। एंड फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ अगर हम पूरा फॉर्मूला लिखते हैं तो हो जाएगा F इज इक्वल्स टू के मॉड Q1 मॉड Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आपने देखा ये जो पैरेलल लाइन है जिसके बीच में हमने Q1 लिखा है, तो ये जो पैरेलल लाइन है इसे हम मॉड बोलते हैं, ठीक है। मॉड क्या होता है, जैसे कि मॉड के अंदर हम 2 डालते हैं, ठीक है, तो हमें आंसर 2 मिलेगा, ठीक है। ये अगर मॉड के अंदर हम माइनस डाल देते हैं -3 या -2 तो वो माइनस साइन हट जाएगा, यानी ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमने जो चार्ज को मोड में डाल दिया है तो इससे हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। यहाँ जो के है वो कांस्टेंट है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और के डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस, ठीक है। वो मीडियम पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे, जो चार्जेस के बिटवीन जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच में जो मीडियम है वो अगर फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस का मतलब एयर हुआ या वैक्यूम हुआ, तो जो के की वैल्यू है वो हो जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर है, ये यूनिट में ही ये जो है वैल्यू है के की वो 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। अगर हम CGS यूनिट में लेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। ये वो फील्ड होती हैं जहां हम कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। परमिटिविटी जो होती है ये होती है मेजर ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज एनकाउंटर्ड व्हेन फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ हमने एप्सिलॉन के बारे में आपको बताया, ये क्या होता है, ये किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है जिसे हम E और उसके बाद एक छोटे से जीरो से डिनोट करते हैं, वो यूज़ होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, मतलब कि कोई दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में जो मीडियम है वो एयर हो या वैक्यूम हो, तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि दो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच में एयर या वैक्यूम है तो जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है एक दूसरे पर वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो होती है 8.85 × 10⁻¹2 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम या एयर नहीं है, कोई और मीडियम है, तो उसके लिए जो एप्सिलॉन या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो वैक्यूम या एयर से अलग होगी, ठीक है, वो सेम नहीं रहती है। इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पे, ठीक है।